हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीवेल ई लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिंकेज पर है, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि टीएच मॉर्गन कौन है, उसने किस पे अपना काम किया और क्यों किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। उन्होंने काम किया था ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे। तो आपको पूछा जा सकता है कि उनका एक्सपेरिमेंटल एनिमल कौन सा था, इंसेक्ट कौन सा था। सो यू हैव टू करेक्टली राइट द स्पेलिंग्स एंड यू हैव टू करेक्टली राइट द साइंटिफिक नेम बाय सेपरेटली अंडरलाइनिंग इट। ओके, देन व्हाई ही वर्कड ऑन इट, व्हाई ही चोज ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। प्रॉपरली आपको साइंटिफिक नेम लिखना है। अब इसने इस पे काम क्यों किया? क्योंकि उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल है। मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट इजीली किया जा सकता है। सिंथेटिक मीडियम पे लैब में आराम से ग्रो कर सकते हैं, इसको रखने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। इसके अंदर कुछ ऐसी हेरिडिटरी वेरिएशंस नज़र आ रही हैं जो कि ईजिली लो पावर माइक्रोस्कोप में देखी जा सकती हैं। सो मैनी हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। और जब भी इनका क्रॉस किया जाता है तो एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस्ड इन ईच क्रॉस, ठीक है। तो उनको इजीली आप स्टडी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ड्रोसोफिला को चूज किया, जिसका कॉमन नेम है फ्रूट फ्लाई। साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप साइंटिफिक नेम प्रॉपरली लिखेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, सिर्फ तभी आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं। सो लेट्स सी कि उसने क्या किया। तो ये मैंने नोट्स पहले ही बना दिए हैं सो दैट दिस वीडियो टेक्स लेस टाइम। ओके, सो लेट्स सी क्या किया था उसने। मॉर्गन ने डिस्कवर किया है लिंकेज। ओके, व्हाट इज दिस लिंकेज? लिंकेज कैसे डिस्कवर हुआ, हम ये देखते हैं। उन्होंने क्या किया, एक डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करने की कोशिश की ड्रोसोफिला में। तो ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस था, इसमें उन्होंने लिया बॉडी कलर एंड आई कलर। कोई भी दो कैरेक्टर्स ले सकते हैं हम डायहाइब्रिड क्रॉस में। सो ही चोज बॉडी कलर एंड आई कलर। बॉडी कलर में एक ब्राउन था, एक येलो था। ब्राउन बॉडी और येलो। तो जो ब्राउन था दैट वाज डोमिनेंट। तो यहाँ पर हम डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर नहीं ले रहे हैं। वी आर टेकिंग पॉजिटिव साइन। वाई प्लस मीन्स दिस इज डोमिनेंट एंड वाई मीन्स दिस इज रिसेसिव। Here we will take W plus to show red eye color, which is dominant over white eye color. अब उसने ये क्रॉस एक परफॉर्म किया, डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में आपको पता है 9:3:3:1 की रेशो आना चाहिए, बट ही गॉट अ रेशो दैट वाज 3:1। तो रेशो में डेविएशन आ गया था। तो रेशो में डेविएशन क्यों आया, जबकि मेंडल ने बोला है कि इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करते हैं जो भी फैक्टर्स हैं मियोसिस में, वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करते हैं टोटली। बट हियर देयर वाज नो सच थिंग, 9:3:3:1 की रेशो नहीं आई। इट मीन्स समथिंग इज देयर विच इज नॉट पिक्ड बाय मेंडल। अब वो क्या चीज है? तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्रूव नहीं कर रहा था ये पर्टिकुलर क्रॉस, ठीक है। तो मॉर्गन ने ये देखा कि डिविएशन क्यों हुई। डिविएशन थी क्योंकि लिंकेज था जीन्स के बीच में। जो जीन्स उसने चूज की थी बॉडी कलर और आई कलर की, वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी। अगर जीन सेम क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो तो वो लिंक्ड जीन्स होती हैं। उनके चांसेस प्रोजेनी में जाने के, गैमीट में जाने के एक साथ ज्यादा होते हैं। तो दिस इज लिंकेज। लिंकेज होती है टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। वी कैन से इसको क्या बोल रहे हैं, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स, बिकॉज द टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, सो दे आर फिजिकली एसोसिएटेड। ओके, क्योंकि मेंडल को लगता था कि फैक्टर्स इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। ये रहा फैक्टर एक, ये रहा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मेंडल को ऐसा लगता था, बट इट इज नॉट सो। नाउ we have discovered chromosomes, we know very well that alleles or genes are present on chromosome. ये chromosome है, इस पर linearly arranged है genes, okay? तो जो दो genes से gene A and gene B जो एक ही chromosome पे पड़ी हुई हैं, they are linked to each other. So this is physical association of two genes. जो genes एक ही chromosome पे हैं, chances उनके गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस में एक ही क्रोमोसोम पे रहने के चांसेस ज्यादा हैं, उनके रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर से सेपरेशन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी जो जीन्स जितना क्लोजली प्रेजेंट होंगी उतने ही उनके चांसेस हैं कि वो एक साथ रहें। दो जीन्स अगर एक साथ रहती हैं तो वो लिंकेज कहलाता है, ओके। तो अब यहाँ पर इसको बताने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। यूजुअली वो एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम एक छोटा सा थ्रेड लें, उस पर हम नॉट्स लगा देंगे, तो जो दो नोट्स पास में होंगी और नोट्स लगाने के बाद सपोज दीज आर थ्री नोट्स ए बी एंड सी, बीच में से हम कट लगाने जाएंगे सीजर्स लेके, तो क्या चांसेस हैं? कट लगाएंगे हम आईज क्लोज करके, ब्लाइंड फोल्डेड होके, तो क्या चांसेस हैं कि हम ए और बी के बीच में कट लगाएंगे, और कितने चांसेस हैं कि हम बी और सी के बीच में कट लगाएंगे? तो आप क्या आंसर दोगे कि बी और सी में कट लगने के चांसेस कम हैं एज कंपेयर टू बिटवीन ए एंड बी। यही है ना, सेम थिंग हैपन्स विथ लिंक्ड जीन्स। क्रॉसिंग ओवर में सेपरेशन के चांसेस, क्रोमोसोम भी तो ऐसा ही है, उसके ऊपर ऐसे ही लिनियरली जीन्स अरेंज्ड है, तो क्या चांसेस हैं? ज्यादा चांसेस किसके हैं? सेपरेशन की, क्रॉसिंग ओवर से। जो जीन्स पास में पड़ी हुई हैं या जो दो एक दूसरे से दूर है उनके चांसेस ज्यादा हैं। तो चांसेस उनके ज्यादा हैं जो एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पर हैं। तो जो डिस्टेंस है, जितना जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा उतना ही उनकी लिंकेज लूज होगी, ठीक है। जितना डिस्टेंस कम उतनी ही वो टाइटली लिंक्ड होंगी, उनके सेपरेशन के चांसेस उतने ही कम है क्रॉसिंग ओवर से मियोसिस में पैचिटिन के टाइम, ठीक है। सो ही गॉट रेशो 3:1 इंस्टेड ऑफ 9:3:1। अब वो क्या ले रहा है, मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट जो है हमारा दैट वाज, लेट मी सी वेयर आई हैव रिटन, या सेम एक्सपेरिमेंट दिस वन डायहाइब्रिड क्रॉस। तो उसने क्या लिया है, बॉडी कलर एंड आई कलर, टू थिंग्स ही हैव टेकन, बॉडी कलर एंड आई कलर, ठीक। अब यहाँ पर हम कैपिटल लेटर से नहीं डिनोट कर रहे हैं डोमिनेंट को, बट वी आर डिनोटिंग इट विद अ प्लस, पॉजिटिव साइन। वाई प्लस मीन्स दिस इज डोमिनेंट, वाई मीन्स इट इज रिसेसिव। यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं हम, लिंकेज शो करेंगे। अब हमारा एक एक्सपेरिमेंट आएगा, उससे पहले ये कुछ मैंने चीजें लिखी हैं। लेट्स सी दैट जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, ओके। डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही लिंकेज कम होगी। डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, मोर द डिस्टेंस लेस इज द लिंकेज, ओके। जितना कम डिस्टेंस उतना ही ज्यादा लिंकेज। और अगर हम इसी को दूसरे वर्ड्स में लिखें, टाइट लिंकेज होगी अगर क्लोजली प्लेस्ड जीन्स होंगी, ठीक है। तो ऊपर वाला जो हम क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें हमने लिया है बॉडी कलर एंड आई कलर, उस केस में बॉडी कलर की और आई कलर की जो जीन्स हैं दे आर टाइटली लिंक्ड, ठीक है। और इस वजह से रिकॉम्बिनेशन जो फॉर्म हो रहे हैं दैट इज जस्ट 1.3%, सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि लिंकेज बहुत टाइट है, ठीक है। अब एक क्रॉस जो हमारा है एनसीईआरटी में दिया है, इससे बच्चे बहुत घबराते हैं, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्रॉस। और हमें ज्यादा एम्फेसिस देना है इसके कंक्लूजन पर, कंक्लूजन हमें अच्छे से आना चाहिए। सो लेट्स गो फॉर द क्रॉस। अब इसमें हमारा क्या है, क्रॉस का रिजल्ट क्या था कि ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड and parental types will be 98.7%। ये तो इसका रिजल्ट है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस क्रॉस, ठीक है। इस क्रॉस को समझना जरूरी है, लेकिन जो इसका कंक्लूजन है वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी कि इस क्रॉस में क्या हुआ है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉस। यहाँ पर इस क्रॉस में क्या लिया हमने, बॉडी कलर एंड आई कलर। अब एक फीमेल है जिसमें येलो बॉडी और वाइट आईज हैं, एक मेल मिला जिसमें ब्राउन बॉडी रेड आईज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया था ब्राउन बॉडी डोमिनेंट फीचर है और रेड आईज भी एक डोमिनेंट फीचर है, और डोमिनेंट फीचर को हमने डिनोट किया है एक पॉजिटिव साइन से। तो वी हैव टेकन जीनोटाइप एज Y+W+, पर क्योंकि हमें इसमें लिंकेज शो करनी है और हमें ये दिखाना है कि जीन्स कितनी क्लोजली प्लेस्ड हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ द क्रोमोसोम्स आल्सो। नाउ फीमेल्स हैव XX क्रोमोसोम, ये 2 X क्रोमोसोम्स बने हैं, और मेल्स में ड्रोसोफिला में भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही XY होता है। Y पर यह ध्यान रखना है कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स की कोई जीन नहीं है, तो जो भी एक्स पे होगी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फीमेल है येलो बॉडीड वाइट आइट, मेल इज ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइट, एंड दीज टू आर डोमिनेंट रेट्स, दीज टू आर रिसेसिव वंस। अब क्या होता है जब गैमीट्स बनते हैं, योर बुक NCRT डजंट शो दिस स्टेप गैमीट फॉर्मेशन, और इस स्टेप के मिस होने की वजह से ही आप लोगों को ये क्रॉस समझने में मुश्किल आती है। ठीक है, सो दिस क्रॉस व्हाट इज हैपनिंग हियर, गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड। आपको मालूम है यहाँ पे YY WW है, तो YW एक क्रोमोसोम अलग हो जाएगा और ये एक ही टाइप के गैमीट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, YW जीन्स की हम पोजीशन देख सकते हैं, दोनों क्लोजली प्लेस्ड हैं। देन कम्स मेल, मेल में जो स्पर्म्स फॉर्म होंगे दे विल बी ऑफ 2 टाइप्स, वन विल हैव जस्ट Y क्रोमोसोम एंड द अदर गैमीट, अदर स्पर्म्स। 2 टाइप्स में से दूसरा टाइप जो है उसमें हमारा Y+ and W+ आएगा। ठीक है, अब अगर फ्यूजन होगा, दीज टू गैमीट्स फ्यूज, देन वी विल गेट Y+W+ and YW। व्हाट इज द रिजल्ट, क्योंकि ये डोमिनेंट फीचर है, ब्राउन बॉडीड रेड आइड फीमेल्स हो गई है। हियर क्या आ रहा है, दिस YW एंड दिस Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम पे कोई भी जीन नहीं है बॉडी कलर आई कलर के लिए, तो जो भी यहाँ पर हमारा X क्रोमोसोम पे है येलो के लिए और वाइट के लिए, येलो बॉडीड वाइट आइड हो जाएंगे। ये सभी मेल्स, फीमेल्स सारी की सारी ब्राउन रेड हो जाएंगी। अब जैसे मेंडल करता है, एक क्रॉस करवा दिया डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट वालों का, और उसके बाद जो F1 आता है उनकी सेल्फिंग करा देता है। सेम वे में हम इसकी अब सेल्फिंग दिखाएंगे। सो सेल्फिंग F1 जनरेशन, F1 वालों की सेल्फिंग हो रही है यहाँ पर। तो F1 की सेल्फिंग जो आएगी उसमें क्या होगा, सेम ये Y+W+YW है ना, और इधर है YW ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर ये गैमीट्स हम बनाएंगे। ठीक, एक गैमीट में हमने डाल दिया क्या, Y+W+ डायरेक्टली ले लिया, दूसरे में YW डायरेक्टली डाल दिया। गैमीट्स को हम सर्कल में दिखाते हैं यूजुअली, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद हमने एक शो करना चाहा रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अगर रिकॉम्बिनेशन हो जाए, ये तो यूजुअल है ना, Y+W+ ये वाला आ गया क्रोमोसोम इसमें, और YW इसमें सीधा आ गया। बट इफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स एंड दीज टू गेट सेपरेटेड, देन व्हाट विल हैपन, देन वी कैन सी कि Y+ और उसके साथ आ गया W, और इधर YW+। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको, यहाँ तो नॉर्मल थे, ये दोनों सेग्रीगेट होकर जा रहे थे, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के बाद है। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट क्या है, गैमीट्स हैं, तो दीज आर एग्स। नाउ द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, स्पर्म्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से, YW एंड सेकेंड इज हैविंग ओनली Y क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका फ्यूजन होके क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आर, ये आ गई हमारे पास सारी डॉटर्स, ये सारे हमारे पास पेरेंटल टाइप्स हैं, Y+W+ YW। ओके, कैसे बनेगा, अगर फ्यूजन हो जाएगा ऑफ दीज टू फ्यूज टू गिव Y+W+ and YW, एंड इफ दीज टू फ्यूज, ये फ्यूज हो गया, अगर ये इसके साथ जाएगा Y W and Y W, ये जाएगा इनके साथ, तो ये डॉटर्स आ गई, ये आ गए सन नॉर्मल वाले, ये आएंगे हमारे पास कौन से, रिकॉम्बिनेंट्स। ये क्या हो गया, ठीक सेट करूं मैं इसको, 1 मिनट। तो यहाँ पर Y+W के साथ YW आ गया। तो ये सारे जो भी बनेंगे ना, इधर हमने ले लिए पेरेंटल टाइप्स, इधर ले लिए ये भी पेरेंटल्स हैं, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं। जिसमें Y दिख रहा है ये सभी सन्स हैं, ये सभी हमारे डॉटर्स हैं। ओके, तो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, इट इज सिंपल, आपने सबके साथ दिखा देना है। देयर इज नो सच प्रॉब्लम। इसको एक को लेंगे, इन दोनों के साथ दिखा देंगे, पेरेंटल टाइप्स आ जाएंगे। इसको लेंगे, इन दोनों के साथ दिखा देंगे, रिकॉम्बिनेंट्स आ जाएंगे। इसको लेंगे, इन दोनों के साथ पेरेंटल टाइप्स। वाई को फिर ले लेंगे इन दोनों के साथ, दैट विल बी व्हाट? रिकॉम्बिनेंट सन्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है रिकॉम्बिनेंट सन्स एंड रिकॉम्बिनेंट डॉटर्स। ये डॉटर्स रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट सन्स है। रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट इज रिकॉम्बिनेंट्स आर जस्ट 1.3%, वेयर एज पेरेंटल टाइप्स आर 98.7%। What is the conclusion? Because the genes are so closely placed, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है। As you can see, the distance between genes is so less. That's why they are tightly linked. Tightly linked genes show very less recombination. That's why recombinations are just 1.3% और parental types है 98.7%। तो इसका conclusion है genes Y and W show tight linkage। तो ये tightly linked है। उसके बाद मॉर्गन ने एक और character लिया, उसके साथ क्रॉस B perform किया। क्रॉस B में मॉर्गन ने क्या देखा कि जो कैरेक्टर्स लिए हैं आई कलर एंड विंग साइज। तो जो आई कलर था रेड, रेड इज डोमिनेंट, W प्लस ले लिया। व्हाइट इज रिसेसिव, W ले लिया। विंग साइज नॉर्मल इज डोमिनेंट, M प्लस ले लिया। मिनिएचर M ले लिया। यहाँ देखिए हमने रिसेसिव वाला कैरेक्टर लिया है, रिसेसिव वाला का हमने फर्स्ट अल्फाबेट लिया दोनों केसेस में, पिछले क्रॉस में भी सेम था। तो ये जो दो जीन्स हैं, जीन फॉर आई कलर एंड विंग साइज, They are not so closely placed. उनमें थोड़ा distance ज़्यादा है, as you can see here. W M they are placed at a distance. अब cross करवाया white eyed miniature wings, ये है female recessive characters show कर रही है। यहाँ पर आया रेड आइड और नॉर्मल विंग्ड मेल, ओके, डोमिनेंट फीचर शो कर रहे हैं। ये क्रॉस मैंने पूरा नहीं बनाया है, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। सेकंड जो क्रॉस दिखाया है एज इट इज जाएगा, जैसे हमने पिछला किया है बिल्कुल सेम होगा। जस्ट आपको पोजीशन ऑफ ये जीन अलग दिखानी है, थोड़ा डिस्टेंस पे दिखानी। देन व्हाट इज द रिजल्ट? यहाँ पर रिजल्ट क्या आया? पेरेंटल टाइप्स हो गए 62.8%। रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी conclusion and result, that is what is asked usually in exam. Recombinants इस केस में बन गए 37.2%, ओके। तो recombinants बढ़ गए, वहां तो 1.3% थे ओनली, यहाँ recombinants बढ़ गए, parentals घट गए वाई, क्योंकि distance इन genes के बीच में ज्यादा था। higher the distance, less is the linkage। ये हमारा कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन है आई कलर और विंग साइज की जीन जो है वो एक दूसरे से लूजली लिंक्ड है, दे आर नॉट टाइटली लिंक्ड, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन है ऑफ क्रॉस बी। सो दिस इज अबाउट लिंकेज, ठीक है। तो लिंकेज से हमारे जो क्रोमोसोम है, हम जीन्स का पता कर सकते हैं कौन सी जगह पर पड़ी है और कितना उसमें रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म होंगे। अब मेंडल ने ये लिंकेज मिस कर दिया, क्योंकि बाई चांस मेंडल ने जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े थे, बाई चांस उसमें उसने पॉड शेप और हाइट, जो मेंडल ने 7 के कंट्रास्टिंग फीचर्स दिए हैं उसमें से पॉड शेप और प्लांट हाइट ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पे पड़े हुए थे, बट मेंडल मिस्ड इट, क्योंकि उसने ऐसा कोई क्रॉस परफॉर्म ही नहीं किया जिसमें पॉड शेप और हाइट उसने एक साथ लिया हो। दैट्स व्हाई मेंडल मिस्ड लिंकेज। अगर मेंडल ये पकड़ लेता ये चीज, तो उसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना दे पाता हो, ठीक है। सो मेंडल वाज लकी दैट ही डिड नॉट परफॉर्म अ क्रॉस इन्वॉल्विंग पॉड शेप एंड प्लांट हाइट, ओके। तो इसलिए मेंडल ने लिंकेज को मिस कर दिया था, नहीं तो हमें वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दे पाता, ओके। सो दिस लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन। किस में डिस्कवर किया? ड्रोसोफिला में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करो और लाइक करो और खूब शेयर करो मेरे वीडियोस। थैंक यू।